जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ और कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान की जो है हम शारीरिक पूजा करते हैं, जैसे कि हम उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, जोत बत्ती करते हैं और भी बहुत तरीके से शारीरिक पूजा की जाती है, इसी तरह मानसिक पूजा भी की जाती है। और मानसिक पूजा करने का क्या महत्व है, उसके क्या लाभ हैं, वही मैं आपको इस कथा के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो कथा इस प्रकार है, वृंदावन में जो है एक संत रहते थे और वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत आराधना करते थे, पूजा करते थे और वो सोचते थे कि मैं किसी तरह जो है इस संसार को भूल जाऊं और केवल जो है श्री कृष्ण में ही मन लगाऊं। लेकिन वो जो है ऐसा कर नहीं पाते थे, वो संसार के ही कर्मों में जो है लगे रहते थे। जैसे कि जब पूजा करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, सोचता रहता है कि अरे वो काम हमारा अधूरा रह गया, ये काम हम ऐसे करें। ऐसे ही उन संत के साथ भी ऐसा ही होता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे जो है ऐसा कोई उपाय सोचूं जिससे कि मैं भगवान की ही पूजा करूं और उन्हीं में ध्यान लगाए रखूं। तो उन्होंने जो है अपना संबंध जो है श्री कृष्ण से जोड़ लिया कि मैं जो हूं उनका पिता हूं, नंद बाबा हूं और जो है कृष्ण जी जो है मेरे जो है बालक हैं। अब उन्होंने उनको अपना बालक मान लिया और वो जो है उनको लाड़ लड़ाने लगे। जब यमुना जी में जाते स्नान करने तो अपने लाला को साथ ले जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते, मन में ऐसी भावना रखते भोजन करते समय कि कन्हैया जो है मेरी गोद में बैठे हुए हैं। और इसी तरह वो जो है उनको लाड़ लड़ाते थे और कभी वो सोचते कि कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं, कभी सोचते वो मुझे जो है दोनों बाहों में भरकर प्यार कर रहे हैं, कभी किसी तरह और कभी किसी तरह वो जो है भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानकर जो है उनको उनके ऊपर वात्सल्य जो है लुटाते रहते और आनंद में जो है अपना जीवन यापन करने लगे। उनके पास कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, वो तो केवल मन में ही एक धारणा उन्होंने बना ली कि जो है भगवान मेरे बालक स्वरूप हैं और मैं उनकी ऐसे सेवा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से वो उनकी मानसिक सेवा करने लगे। ऐसे ही उनका दिन बीतने लगा, वो सभी जगह से कट कर केवल भगवान से ही जुड़ने लगे और उनका जो है पुत्र का संबंध जो भगवान से जुड़ा तो उन्होंने सारे संसार को त्याग दिया। कभी उनके मन में भावना आती जो है कि श्री कृष्ण जी जो हैं मुझसे केला मांग रहे हैं और कह रहे हैं बाबा मुझे केला दे दो, और वो ऐसा मन में सोचते और उनको जो है भगवान को जो है केला दे देते। कभी उन्हें लगता है कि भगवान कोई फल मांग रहे हैं, कभी लगता है उन्हें कोई मिठाई मांग रहे हैं, कभी वो उनके साथ खेल रहे हैं। ऐसे ही वो दिन पे दिन सेवा उनकी करने लगे। अब वो मन से बहुत प्रसन्न रहते और जो है उन्हीं में अपना मन लगाए रहते। इस तरह वो मन में बहुत प्रसन्न रहने लगे और उन्होंने जो है एक बार उनके मन में आया कि मैंने जो है कभी गंगा स्नान नहीं करा है, तो मेरे शरीर ने तो कभी गंगा स्नान किया नहीं, तो मुझे एक बार गंगा स्नान करने ज़रूर जाना चाहिए। तो उन संत ने अपने जो है अपने शिष्यों से ये बात कही तो शिष्यों ने कहा अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, आप जो है चलिए हम काशी चलते हैं और काशी में जो है हम गंगा स्नान करते हैं। उनके शिष्य जो है काशी जाने की तैयारी करने लगे। अब वो तो भगवान कृष्ण में जो है बहुत मगन थे, तो उन्हें लगा कि भगवान जो है श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि अरे बाबा आप कहाँ जा रहे हो काशी में, मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ, आप मुझे छोड़ के काशी कभी नहीं जाना। अब जब उनको इस बात का आभास हुआ कि लाला जो है मेरे मना कर रहे हैं तो मुझे काशी नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे कान्हा तो मुझे मना कर रहे हैं और मेरा कान्हा तो छोटा है, मैं अपने कान्हा को छोड़कर कैसे यात्रा करने जाऊं। तो उन्होंने अपने शिष्य को मना कर दिया कि मुझे लाला को छोड़कर कहीं नहीं जाना। अब ऐसे करते करते दिन बीतते रहे और वो महात्मा जो हैं संत जो हैं वो बहुत जो है बूढ़े हो गए। अब महात्मा का शरीर तो बूढ़ा हो गया, वो वृद्ध हो गए, परंतु जो उनके कान्हा थे वो तो छोटे ही रहे, अब वो तो कभी बड़े हुए ही नहीं।
अब जब वो कभी बड़े हुए नहीं तो उन्हीं में उनका दिन रात जब बीतने लगा तो ऐसे करते करते एक दिन जो है उनका चिंतन करते करते वो जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब उनकी मृत्यु के उपरांत जो है वो शिष्य जो है कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए और अग्नि संस्कार की तैयारी करने लगे। जब वो अग्नि संस्कार की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर जो है बालक अपने कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहाँ आया है और उसने शिष्यों से कहा कि ये जो है मेरे पिता हैं और इनका मैं मानस पुत्र हूँ, तो इस नाते जो है पुत्र होने के नाते जो है अग्नि संस्कार का जो अधिकार है वो मेरा है, तो जो इनका अग्नि संस्कार है वो मैं ही करूँगा। अब पिता की अंतिम इच्छा जो है पूरी करना पुत्र का धर्म होता है, तो मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं गंगा स्नान को जाऊं, परंतु वो जो है मेरे कारण गंगा स्नान नहीं कर पाए, तो इसलिए जो है मैं इस घड़े में गंगा जल लेकर आया हूं। और जो है उन्होंने जो है पुत्र ने जिस प्रकार पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है इसी प्रकार जो है उस बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया और उन संत के माथे पर तिलक लगाया, पुष्पों की माला पहनाई और अंतिम वंदना करके उनकी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब सब देखते ही रह गए, बहुत सारे वहाँ साधु महात्मा इकट्ठे थे परंतु जो है किसी के भी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई कि ये सब आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कोई कुछ कह ही नहीं पाया। अब अग्नि संस्कार होने के बाद वो बच्चा तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। जब वो बच्चा वहाँ से अंतर ध्यान हो गया तो उसके बाद लोगों को ध्यान आया कि अरे महात्मा के तो कोई पुत्र था ही नहीं, अरे भगवान ये तो जो है भगवान श्री कृष्ण ही उनके पुत्र के रूप में आए थे, क्योंकि उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। तो महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं और परमात्मा ने उनकी इस भावना को पूरा किया। परमात्मा के साथ जो है जीव जैसा संबंध रखता है वैसे ही जो है भगवान भी उनके साथ वैसा ही संबंध रखते हैं। तो ये जो है कथा मैंने आपको सुनाई, इस कथा के माध्यम से जो है हमें ये समझ में आता है कि केवल जो है हम शरीर से ही नहीं, अगर हम मन से भी भगवान की पूजा करें, हमारे पास कोई सामान नहीं है और हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं या हमारे पास पूजा की सामग्री थोड़ी है, तब भी जब आप उनकी मन से भावनाओं से भावों के द्वारा उनकी पूजा करोगे तो वो जो है उस पूजा को ज़रूर स्वीकार करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।